जल्दी से जल्दी मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट आ रही थी कि इसका इंस्टॉलेशन आप करके दिखाइए। एक दोस्त ने मेरे यूट्यूब पे बोले थे कि इंस्टॉलेशन करिए। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक बोर्ड की, जो कि मैंने लगाया है, ठीक है। इसमें भी आपको प्लग लगाना है। प्लग लगाने के बाद दोस्तों इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके पास टंकी है तो आप टंकी वाले पाइप यहाँ इसमें आता साथ में पाइप यहाँ सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके लिए कर सकते हैं ड्रेन के लिए, ठीक है। और यहाँ धोने वाले के लिए इसके लिए कर सकते हैं, और बाकी इसका एक पाइप इसमें लगा रहता है पानी निकालने के लिए, वो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इसमें पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कपड़े भी कैसे धुलते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पानी ऐड करना होगा, आपको जितने कपड़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पानी ऐड करना होगा। तो अब मैं यहाँ सबसे पहले पानी ऐड कर देता हूँ। मेरे पास टंकी नहीं है इसलिए मैं बाल्टी का ही यूज़ करता हूँ। बाल्टियों से इसमें ऐसे पानी डाल के ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, देख लीजिए आप, ठीक है। और इसकी 5 ईयर की वारंटी है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और ये मुझे 5799 यानी 5800 रुपये की पड़ी थी मशीन, इंटेक्स की है। तो मैं फिलहाल इतना ही पानी रखूँगा, थोड़ा सा और डाल लेता हूँ क्योंकि कपड़े मेरे ज़्यादा हैं, ठीक है। बढ़िया है, टॉप लोडेड मशीन है, अच्छी है, सेमी ऑटोमेटिक है, ठीक है। मैं इतना पानी रखता हूँ, इसके बाद आपको इसमें आपको वॉशिंग पाउडर जो है ऐड करना होगा। वॉशिंग पाउडर भी आप अपने कपड़े के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपना ये वॉशिंग पाउडर है व्हील, इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और डाल लेता हूँ क्योंकि पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा है, कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा है। और इसके बाद इसमें आप अपने कपड़े जितने भी हैं आप वो सारे डाल दीजिए, ठीक है। और पहले मैं इसमें कपड़े डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे जितने भी कपड़े हैं मैं इसमें सारे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कपड़े आप इसमें ऐड कर दीजिए पूरे, कपड़े ऐड करने के बाद में अब इसमें थोड़ा सा पानी कम है तो इसमें हम थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, और इसके बाद में आप इस ढक्कन को बंद करेंगे, और यहाँ पर आपको टाइमर दिख रहा होगा इसमें, वॉश टाइमर। तो इसमें आप टाइम सेट कर दीजिए आपको जितने टाइम में कपड़े धुलने वाले हैं, 15 मिनट, 12 मिनट, जितना भी है। तो मैं इसको फिलहाल लगाने वाला हूँ, यहाँ से अपना स्विच ऑन रखेंगे, इसको ऑन रखेंगे, और यहाँ से इसको फिर ऑन कर देंगे। मैं लगाने वाला हूँ इसको 12 से ऊपर, यानी कि इतना, ठीक है। और ये देखिए आपकी अंदर धुलाई स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बढ़िया है, ऑटोमेटिक मशीन है, आपको अच्छी धुलाई एकदम रगड़ा भी करना वाला लगाती है। तो हम इसको 12 मिनट तक ऐसे ही धुलने देते हैं, ठीक है, बंद करके। आपको यहाँ से देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी धुलाई स्टार्ट हो गई है, और 12 मिनट बाद ये टाइमर ऑटोमेटिक ऊपर जाता रहता है, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ से जाएगा ऊपर, और यहाँ 12 मिनट बाद ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद में हम इसकी धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद में यहाँ पर इसको स्पिन टाइमर लगा के स्पिन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करते हैं, ये टाइमिंग होती है हमारी, तब तक वेट करते हैं। ये देखिए अंदर धुलाई चालू है कपड़ों की, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम टाइमिंग सेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए बने रहिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और प्रॉब्लम हो रही है आपको कमेंट कर दीजिए। मेरे भाई जो थे जिन्होंने मेरे पास कमेंट की थी पिछली वाली वीडियो पर इंस्टॉलेशन के लिए, तो दोस्तों इंस्टॉलेशन में इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, खास कुछ नहीं है। अगर आपको टंकी है तो आप इस वाले में पाइप लगा के अपने टंकी में पाइप फिट कर दीजिए, और पानी के लिए हो जाएगा ये, बाकी आपका ये सिंपल है, ठीक है। ये होता है आपका पानी निकालने के लिए यहाँ पर, और ये आपका धुलाई मोड चेंज करने के लिए, यानी कि वॉश सेलेक्टर है, आपके सेलेक्टर को मतलब करना चाहते हैं। ड्रेन में आपका जो पानी होता है इसका धुलाई होने के बाद निकल जाता है, नॉर्मल मोड में भी चल रही है, और ये एक और तीसरा इसका मोड है ये वाला, ठीक है। तो इसमें थोड़ा स्लो चलता है, मतलब झटके से चलता है, कोई इस पर खास नहीं धुलते, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल पे धुल रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है हमारा ये स्पिन टाइमर सुखाने वाला, ठीक है। तो बताता हूँ इसके बारे में, तब तक वेट करते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे टाइमर ऑटोमेटिक चल रहा है, 12 पर हमने सेट किया था, यहाँ से चलते चलते 6 के पास आ गया है, ये धीरे धीरे ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद हम इसकी अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स टाइम पूरा होने वाला है, और इसकी धुलाई भी हो चुकी है, कपड़ों पर चमक भी आ गई है यहाँ से आप कुछ देख रही हो तो। तो ये देखिए अभी बंद होने वाली है, टाइम इसका पूरा हो गया है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बंद हो गई है, ये देखिए धुलाई भी होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसका जो गंदा पानी है, जो वॉशिंग पाउडर जो रहता है, वो अभी मैल वैल निकला है इसमें,
तो सबसे पहले इसे ड्रेन मोड पर लाना है और इसका पानी निकालना है। तो हमने ड्रेन मोड पर कर दिया इसे, और ये देखिए यहाँ से पानी निकलना है, इसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सिंपल यही करना है, अभी इतना करना है। इसका पूरा पानी यहाँ से ख़त्म होने के बाद में, और साथ के साथ आप एक काम करते रहिए कि इसमें थोड़ा साफ पानी ऐड करते रहिए, ताकि इसका जो ये पानी गंदा है ये निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको साफ पानी लेना थोड़ा सा, और इसमें ऐड करते रहिए बाल्टी से, आपका जो भी है, आपकी अगर टंकी है तो टंकी से ऐड हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, वरना आपके पास नहीं है तो आप बाल्टी से ऐड करते रहिए। ठीक है,